गुड इवनिंग व्यूअर्स, हाय, आई विल अगेन कम बैक फॉर नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 3. टुडे आई विल डिस्कस ऑन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड वी टेक ए वन सील्ड ग्लास ट्यूब. इट इज अटैच विद इंडक्शन कॉयल एंड इट्स लोअर पोर्शन अटैच विद प्लैटिनम ब्लैक. प्लैटिनम ब्लैक इज ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ हाइड्रोजन. प्लैटिनम ब्लैक इज ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ हाइड्रोजन. इट इज सराउंडेड विद अनदर ग्लास ट्यूब थ्रू विच हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड. Now this apparatus is suspended over concentrated HCl. Its molarity is 1 m. Now hydrogen gas is bubbled through this. So hydrogen gas at anode. Hydrogen loses electron and produce H plus ion. At anode, hydrogen loses electron and produce H plus ion. At cathode, H plus ion absorb electron gives half H2. Now we add both equations, first and second. We get equilibrium state. Half H2, H plus ion plus electron. Half H2 gives H plus ion plus electron. This is the combined reaction of the cell. So at anode, electrode potential is equal to 0 volt. At cathode, electrode potential is 0 volt. The E naught of H plus ion, half H2, E naught of H plus ion, half H2, equal to 0.0 volt, which is called SHE. So are you understand? कि हाइड्रोजन का जो होता है इलेक्ट्रोपोटेंशियल वो 0 वोल्ट होता है. इसी को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं. जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपको, फिर अगेन आई विल एक्सप्लेन यू. दिस इज द क्लोज ग्लास ट्यूब. इनसाइड दिस प्लैटिनम वायर इज सस्पेंडेड एंड इट्स लोअर पोर्शन अटैच विद प्लैटिनम ब्लैक. होल ऑपरेटर्स इज सस्पेंडेड ओवर
1 m concentrated HCl tank. Now hydrogen gas is bubbled through glass tube at 1 atmosphere pressure and 25 degree centigrade. So that at anode, hydrogen oxidation reaction takes place at anode, it loses electron from H plus ion. At cathode, reduction reaction takes place, H plus ion plus electron gives half H2. Now combine both reactions, anode and cathode, gives cell reaction half H2 at equilibrium, H plus plus electron. So at equilibrium position, standard electropotential value of H plus ion and half H2 is equal to 0 volt. This is called SHE or NHE. Now we discuss another cell, fuel cell. Now we discuss on fuel cell. Fuel cell is very important cell. It was used in Apollo research program first time. It is very very useful and no pollution is created. So it is beneficial for research program. So it is used in space research program. In this cell, first we draw the diagram. This is the fuel cell in which perforated carbon electrode is taken. Perforated, a porous carbon electrode. Porous carbon electrode is taken. ये भी porous है. Porous carbon electrode. Between porous carbon electrode, any electrolyte like NaOH or KOH is filled. इसमें NaOH या KOH fill कर देते हैं. Suppose कि NaOH भर देते हैं. NaOH.
NaOH फील्ड या KOH कोई भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर बेटा, NaOH आर KOH। तो बिटवीन परफोरेटेड कार्बन इलेक्ट्रोड एनी इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaOH आर KOH इज फील्ड फ्रॉम वन साइड हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, फ्रॉम अदर साइड ऑक्सीजन गैस इज पास्ड। जिधर से ऑक्सीजन गैस पास करते हैं वो परफोरेटेड इलेक्ट्रोड जो होता है हमारा किस तरह का वर्क करता है बेटा, कैथोड की तरह। किस तरह वर्क करेगा वो कैथोड। और जिधर से हम ऑक्सीजन को करते हैं, जिधर से हम ऑक्सीजन को करेंगे तो क्या होगा बेटा, वो एनोड की तरह वर्क करेगा। जिधर से ऑक्सीजन को मैं पास करता हूँ तो उधर से वो परफोरेटेड कार्बन इलेक्ट्रोड किस तरह वर्क करता है, एनोड की तरह। तो दिस फ्यूल सेल इज बेस्ड ऑन कंबसन प्रिंसिपल, दिस फ्यूल सेल इज बेस्ड ऑन कंबसन प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन कंबसन प्रिंसिपल, कंबसन प्रिंसिपल लाइक, जैसे कौन से ले सकते हैं आप, मेथेनॉल यूज कर सकते हैं आप, मीथेन, हाइड्रोजन, इनका जो होता है कंबसन कराया जाता है। तो इन बीच केमिकल रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पर केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये इसका बेसिक है, ये प्रिंसिपल इसका है। तो यहां पर जो हमें ये फ्यूल लेना है, मुझे कौन सा फ्यूल लेना है, मेथेनॉल, मीथेन, हाइड्रोजन, इनका कंबसन कराया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पर जो लिया हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल लिया हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। यहां पर जो मैंने यूज किया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब इसमें देखिए एनोड पर रिएक्शन क्या होता है, एट एनोड, एट एनोड, एनोड पर रिएक्शन क्या होता है ये बता रहे हैं आपको। O2 प्लस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड है बेटा, एट कैथोड, इलेक्ट्रॉन यहां एक्सेट हो रहा है एट कैथोड। तो कैथोड पर रिएक्शन बेटा क्या हो रहा है, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 4OH माइनस आयन बन रहा है एट एनोड। हाइड्रोजन एनोड पर, हाइड्रोजन OH माइनस आयन से रिएक्शन करेगा, इट गिव्स 4H2O, एंड लूजेस इलेक्ट्रॉन। एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए लूज कर रहा है। तो कैथोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है क्या करता है बेटा, रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन वाटर से रिएक्ट करता है और ये 4OH माइनस आयन बना रहा है। और कैनोड पर जो होता है हाइड्रोजन जो होता है इस OH माइनस आयन से रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा, वाटर, और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यहाँ पर एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें टू वाटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रिएक्शन,
2H2 plus O2 gives 2H2O. So in this reaction, chemical energy is converted into electrical energy, electricity भी बनती है और drinking water भी बनता है. ये water जो होता है, it is used as a drinking purposes. This water is also used as a drinking purposes. तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, दोनों का combustion होगा, जिससे हमारा क्या बनता बेटा, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर बनता है और इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है. इसमें डबल फायदा है वह स्पेस के लिए कि पानी भी मिल जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है, जिसे मॉनिटरिंग करने के लिए, कंप्यूटर और भी चीज़ें चलाने के लिए वहाँ पर स्पेस में आराम से हम इसका इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं. तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द फ्यूल सेल. नाउ वी डिस्कस अनदर टॉपिक. Now we discuss another topic, electrochemical series. Now we discuss on another topic, electrochemical series. It is also called in short ECS. क्या कहते हैं इसे? ECS ये भी कहते हैं बेटा. E for electro, C for chemical, S for series. Electrochemical series. अब electrochemical series होती क्या है? जैसे आपने periodic table में देखा, आपने element को arrange करके Mendeleev ने बनाया था, modern periodic table बना, तो उसमें एलिमेंट को एक जगह अरेंज किया गया. उसी तरीके से एक्टिविटी सीरीज बनी थी, जिसको एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, जिसको आप लोगों ने 10th में पढ़ा था कि मेटल को लेकर वो चले थे, मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम दिखाया था, उन्होंने एक सीरीज बनाई थी. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो होगा, मेटल भी होगा नॉन मेटल, दोनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अरेंज करके एक सीरीज बनाएगी, उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं. इन अनदर वर्ड, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, दस बी ऑब्टेंड सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इन दिस सीरीज हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन द मिड ऑफ द सीरीज. एबव हाइड्रोजन इलेक्ट्रो निगेटिव पोटेंशियल एलिमेंट्स आर केप्ट एंड बिलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल एलिमेंट्स आर केप्ट. नाउ वी मेक ए सीरीज, देन आई विल डिस्कस ऑन दिस सीरीज. एलिमेंट इधर लिख देते हैं, एलिमेंट ये एलिमेंट है, और इधर लिख देते हैं ई नॉट वैल्यू. एलिमेंट लिख देते हैं यहां पर, और यहां क्या लिख देते हैं, ई नॉट की वैल्यू लिख देते हैं. एलिमेंट सबसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? लिथियम बेटा. लिथियम इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इट इज प्लेस टॉप ऑफ द सीरीज. तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम,
मैग्नीशियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन के बिलो क्या है, पार्सी वाले आ जाएंगे इलेक्ट्रोप्रेस। हाइड्रोजन ब्लू क्या बेटा है, कापर। क्या आ जाता है, हाइड्रोजन ब्लू कापर आ जाता है। हाइड्रोजन ब्लू क्या होता है, कापर। तो लिथियम का सबसे मिनिमम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल होता है। ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, -3.04 वोल्ट, -3.04 वोल्ट। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोपोटेंशियल 0.0 वोल्ट है और कापर का इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या है, प्लस से चालू हो जाता है, प्लस 0.34 वोल्ट। अब हाइड्रोजन के बिलो हम इधर बना दे रहे हैं, इस साइड पर देखिए हाइड्रोजन से बिलो एलिमेंट बना दे रहे हैं, एलिमेंट ई नॉट। हाइड्रोजन बिलो क्या है बेटा, यहां लिख देते हैं हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मरकरी, सिल्वर, मरकरी, ब्रोमीन, प्लैटिनम, क्लोरीन, क्लोरीन, गोल्ड, गोल्ड को आरिक भी कहते हैं, गोल्ड। उसके बाद लास्ट में क्या है बेटा, फ्लोरीन। देखा आप लोग ने, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मरकरी, ब्रोमीन, प्लैटिनम, क्लोरीन, गोल्ड, फ्लोरीन, ये आपका है यहां पर। तब मैं आपको बता रहा हूं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू क्या होता है, 0.0 वोल्ट होता है। कापर का प्लस में आ जाता है, +0.34 वोल्ट। अब फ्लोरीन का जो होता है सबसे ज्यादा होता है, +2.87 वोल्ट, ये बेटा होता है। इज इट क्लियर। अब लिथियम जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है, जिसकी ई नॉट की वैल्यू जितने कम होगी उतने वो ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। जिसकी ई नॉट की वैल्यू जितने कम होगी उतने ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। इसका तर लिथियम के ई नॉट की वैल्यू जो होती है -3.0 वोल्ट होती है, ये सबसे कम है, इसलिए उतने ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे जैसे हम बिलो द सीरीज जाते हैं तो ई नॉट की वैल्यू क्या होती, कम होती ज्यादा होती जाती है। ई नॉट की वैल्यू क्या होती, ज्यादा होती जाती है, जिससे रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। इसीलिए जो होता है सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है। सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, जिसकी ई नॉट की वैल्यू 2.87 वोल्ट है, 2.87 वोल्ट है, इसलिए इट इज लेस रिएक्टिव। इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मीन्स क्या, वेन नंबर ऑफ एलिमेंट आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी
an increasing order of standard electrode potential, the series is obtained is called electrochemical series. In this series, from top to bottom, oxidizing character increases and reducing character decreases. तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीजेस, ये ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीजेस. So, फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो फ्लोरीन क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हेन वी प्रोसीड, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीजेस एंड रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीजेस. So, fluorine shows strong oxidizing character, but in reverse order, when we move from bottom to top, reducing character increases. तो यहाँ से bottom to top जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, ये दिखिए आप. तो reducing character क्या होता है, increase करता है. Reducing character reducing character increases, increases. So lithium is a powerful reducing agent. ये क्या होगा बेटा, strong reducing agent है ये. So lithium is a powerful reducing agent, strong reducing agent. But फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हाइड्रोजन से बिलो जो एलिमेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर को शो करते हैं, कि इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. मैं हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट होते हैं, इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. इज इट क्लियर. अब मैं बता रहा हूं आपको एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ आप ECS. ECS का एप्लीकेशन क्या है बेटा, पहला एप्लीकेशन है एवर एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज ऑलवेज डिस्प्लेसेस इट्स बिलो एलिमेंट. मतलब इस श्रेणी में, इस सीरीज में ऊपर वाला एलिमेंट जो होता है अपने नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है. That is, above element always displaces below element from their salt solution. Because above element is more reactive, as below element is comparatively less reactive. More reactive element always displaces less reactive element. But less reactive element is incapable to displace its above element. ये पहला application था. जैसे example में, जैसे पहले हम ले रहे एग्जाम्पल जिंक सल्फेट है, इसमें कॉपर मिला दिया गया है. जिंक सल्फेट में कॉपर मिला दिया गया है, तो कॉपर क्या है बेटा, बिलो जिंक है. कॉपर क्या है, कहाँ गया, देखिए जिंक कहाँ पर है, आप लोग देखिए जैसे जिंक कहाँ पर है. जैसे यहाँ पर पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, यहाँ पर जिंक है. देख लीजिए यहाँ जिंक लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर जिंक है. क्या है जिंक, ये यहाँ पर जिंक है, ये जिंक है. फिर से लिख लीजिए इसको, यहाँ पर क्या है, जिंक है. ये जिंक क्या है बेटा, और कापर कहाँ पर है, ये कापर है ये. तो जिंक क्या है, कापर क्या है, जिंक से नीचे है, बिलो है.
जिंक जो है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या है बेटा? निगेटिव है, रिएक्टिव है। और कापर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या है? प्लस में 0.34। तो कापर क्या है? जिंक से बिलो है। तो कापर इज इनकैपेबल टू डिस्प्लेस जिंक बिकॉज कापर इज लेस रिएक्टिव, इट कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट जिंक। तो नो रिएक्शन इज अकर्ड, नो रिएक्शन, इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। कॉपर प्लस ZnSO4 गिव नो रिएक्शन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, एग्जिस्ट बिलो जिंक, सो इट इज इनकैपेबल टू डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। बट इन अनदर एग्जाम्पल, जिंक है बेटा, इसको कॉपर सल्फेट में मैंने ऐड कर दिया। जिंक को किसमें ऐड कर दिया हमने? कॉपर सल्फेट में ऐड कर दिया। अब मैं यहां क्या देख रहा हूं? जिंक एग्जिस्ट एबव कॉपर। जिंक देखिए ये है, जिंक एग्जिस्ट एबव कॉपर। ये कॉपर से क्या है? सीयू से ऊपर है जिंक। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, इट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम दिस सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इट फॉर्म सीयू को डिस्प्लेस कर देगा और ZnSO4 बन जाएगा। इस तरीके से बहुत सी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे मैग्नीशियम हमने ले लिया क्लोराइड, इसमें मैंने सोडियम मिला दिया। क्या मिला दिया? सोडियम। मैग्नीशियम क्लोराइड में सोडियम मिला दिया। अब सोडियम बेटा एग्जिस्ट एबव मैग्नीशियम, सोडियम क्या है? मैग्नीशियम के ऊपर है। सो सोडियम कैन डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या बन जाएगा बेटा? N2NaCl मैग्नीशियम को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। इज इट क्लियर? ये पहला एप्लीकेशन था। अब सेकंड एप्लीकेशन में बता रहा हूं, देखिए आप लोग। सेकंड एप्लीकेशन, हाँ देखिए, सेकंड एप्लीकेशन, मैं सेकंड एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं। सेकंड एप्लीकेशन इसका, सेकंड एप्लीकेशन क्या है? एबव हाइड्रोजन, ऑल एलिमेंट एबव हाइड्रोजन, ऑल एलिमेंट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जैसे एसिड मतलब क्या? जैसे H2SO4, HCl, HNO3 एंड आल्सो डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम। ओनली एबव हाइड्रोजन, बट बिलो हाइड्रोजन एलिमेंट इज इनकैपेबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और वाटर। तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन। जैसे देख लीजिए आप लोग, जैसे हाइड्रोजन से ऊपर कौन है? ये जैसे ये हाइड्रोजन बेटा, यही क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ऊपर ये है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, ये हमारे। तो हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट है ये एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे देखिए आप लोग बेटा, बेरियम बेटा है, ये एसिड मैंने H2SO4 ले लिया। एसिड क्या ले लिया? H2SO4। तो बेरियम एग्जिस्ट एबव हाइड्रोजन। बेरियम कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? देखिए आप लोग, बेरियम एग्जिस्ट एबव हाइड्रोजन, ये यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। बेरियम हाइड्रोजन से ऊपर है, तो बेरियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो बेरियम क्या करेगा? हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा, BSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन मिलेगा। उसी तरीके से आप ले लीजिए मैग्नीशियम, ले लीजिए आप Mg है, इसको आप ले लीजिए नाइट्रिक एसिड में मिला दीजिए आप HNO3 में। तो मैग्नीशियम एग्जिस्ट एबव हाइड्रोजन, ये देखिए आप लोग, तो मैग्नीशियम रिएक्टिव है, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा नाइट्रिक एसिड से। तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। इज इट क्लियर? और ले लीजिए एग्जाम्पल आप, जैसे मैंने ले लिया जिंक क्लोराइड ले लीजिए आप, ये भी हाइड्रोजन से ऊपर है, जिंक क्लोराइड।
अब जिंक क्लोराइड में मैं मिला देता हूँ, मैग्नीशियम मिला देते हैं, तो मैं जिंक के ऊपर क्या है बेटा, मैग्नीशियम देख लीजिए आप लोग, ये जिंक के ऊपर क्या है, मैग्नीशियम है। तो जिंक क्या करेगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, नहीं सॉरी ये इसका एग्जांपल नहीं है ले रहे हम, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको, लेड है, पीबी है, लेड को एसिड टू एससीएल में मैंने मिला दिया, लेड को एसिड का एग्जांपल ले रहे हैं, लेड को टू एससीएल में मिला दिया मैंने, तो ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा पीबीसीएल टू प्लस एच टू, बिकॉज लेड एग्जिस्ट अबव हाइड्रोजन, सो इट इज कैपेबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, बट बिलो हाइड्रोजन कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम देयर एसिड, के बिलो हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है, कि हाइड्रोजन रिलीज करने के लिए एच प्लस आयन को वहां से हटाना है तो उसको इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, मगर बिलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होते, वो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकते, जब इलेक्ट्रॉन वो लूज नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन कैसे डिस्प्लेस करेगा, कि एच प्लस आयन के लिए एच प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कहां से मिल सकता है, ऊपर से मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये लूज करेगा, मगर बिलो जो हमारे हाइड्रोजन है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएंगे तो हाइड्रोजन एच प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहेगा, तो एच टू के फॉर्म में कैसे निकल पाएगा, जैसे एग्जांपल में ले रहे हैं सिल्वर को एच टू से फॉर्म मिला दीजिए आप, तो सिल्वर हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दोनों की टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की है, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, कि एक ही टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होनी चाहिए, दूसरी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की होनी चाहिए, तभी रिएक्शन पॉसिबल होता है, बट इन दिस केस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नो रिएक्शन, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आप गोल्ड ले लीजिए बेटा, गोल्ड में HNO3 मिला दिया मैंने, गोल्ड में क्या मिला दिया, HNO3, नो रिएक्शन बेटा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस सॉरी अब देखिए नेक्स्ट, तो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप थर्ड एप्लीकेशन बता रहे हैं आपको, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फ्रॉम आयरन टू कॉपर, देखिए फ्रॉम आयरन टू कॉपर, ये देखिए आयरन कोबाल्ट निकिल टिन लेड हाइड्रोजन कॉपर, फ्रॉम आयरन टू कॉपर ऑल मेटल ऑक्साइड रिड्यूस बाई हाइड्रोजन इंटू मेटल, फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन से लेकर के कापर के जो मेटल ऑक्साइड होंगे वो हाइड्रोजन के थ्रू क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, मेटल को फ्री कर देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे FeO रिड्यूस बाई हाइड्रोजन गिव आयरन फ्री कर देगा एंड फॉर्म H2O रिड्यूस कर देगा, जैसे PbO रिड्यूस बाई हाइड्रोजन गिव Pb प्लस H2O, जैसे टीन ऑक्साइड स्टेनस ऑक्साइड H2 से रिड्यूस होकर के टीन अलग कर देगा H2O, जैसे बेटा आपको कोई भी ले सकते हैं, आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, समझे कि नहीं, कॉपर ऑक्साइड CuO रिड्यूस बाय हाइड्रोजन फॉर्म कॉपर एंड वाटर, तो ये तीसरा एप्लीकेशन था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। चौथा एप्लीकेशन है सिल्वर एंड इज बिलो मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग इनटू मेटल एंड ऑक्सीजन, सिल्वर एंड इज बिलो मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग इंटू मेटल एंड ऑक्सीजन, जैसे देखिए आप
सिल्वर, ये देखिए आप लोग, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम, गोल्ड, इनके ऑक्साइड जो होते हैं हीट करने से क्या हो जाएंगे, मेटल और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। जैसे सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड को हीट कर दीजिए आप, इसको हीट कर देते बेटा, इट गेट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड ऑक्सीजन। उसी तरीके से आप देख लीजिए मरकरी ऑक्साइड है, इसको हीट करेंगे बेटा, हीट ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल है, तो 2HG और प्लस O2। तो देखा आपने कि सिल्वर एंड इससे बिलो के मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं हीट करने से मेटल और ऑक्सीजन में क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तभी आपने देखा होगा जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जब चांदी के पायल या चांदी की अंगूठी कोई गंदी काली हो जाती है कोरोजन की वजह से, तो उसको क्या करते हैं, वो क्या होता है बेटा, ये ऑक्साइड आ जाता है उसके ऊपर। कालापन किसकी वजह से होता है, ये ऑक्साइड की वजह से होता है। इसीलिए उन लोग क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तपाते हैं, आर्नामेंट्स को खूब तपा देते हैं, उसके बाद अपने आप मेटल अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और हमारी ज्वेलरी क्या होती है, बिल्कुल चांदी जैसे सफ़ेद हो जाती है, खूब साफ हो जाती है, चमकीली हो जाती है। यही प्रिंसिपल पर बेस है बेटा, कि मेटल ऑक्साइड को हीट करने से वो क्या होते बेटा, मेटल और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाते हैं। मगर कंडीशन क्या है, केवल सिल्वर एंड इट्स बिलो मेटल ऑक्साइड, मतलब सिल्वर इज बिलो मेटल ऑक्साइड मीन्स सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम, गोल्ड, इतने बेटा, इनके ऑक्साइड को अगर मैं हीट करूंगा, तपाऊंगा, तो हमेशा क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल ब्राइटनेस में आ जाएंगे, वही चमक उसके अंदर क्या हो जाएगी, आ जाएगी। इज इट क्लियर? Now we discuss on fifth application. Fifth application क्या है, कि EMF of the cell जो होना चाहिए, EMF of the cell कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। E not cathode, E not anode, दोनों का सम क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आएगा तभी क्या होगा, सेल रिएक्शन इज पॉसिबल। जैसे ई कैथोड, ई नॉट इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों का सम कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। ये जो डिफरेंस होना चाहिए दोनों का कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव रहेगा तो रिएक्शन क्या होगा, फीजिबल होगा, क्या होगा, फीजिबल। अदरवाइज नॉन फिजिबल हो जाएगा अगर निगेटिव आएगा। अगर इसका आपका निकालेंगे ये कैथोड मानी ये एनोड, अगर निगेटिव आता है, निगेटिव वैल्यू आएगी तो नॉन फिजिबल हो जाएगा, नॉन फिजिबल, नॉन फिजिबल। तो ये ध्यान रखिए कैलकुलेशन में, अगर ई नॉट ऑफ द सेल निकालना है तो ई कैथोड मानी एनोड पॉजिटिव होता है तो वो फिजिबल को शो करता है, अगर निगेटिव आता है तो नॉन फिजिबल होता है। इस तरीके से मैंने आज मैंने एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेम के सीरीज के एप्लीकेशन मैंने डिस्कस किए। इस पर क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं कंपटीशंस में आपके, और CBSE बोर्ड में, UP बोर्ड में, अदर कंपटीशंस में, नीट में, JEE मेंस में इसके भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। आई होप यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और अब देखिए आप इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखिए आप लोग, नाउ वी डिस्कस ऑन नर्स इक्वेशन, NERNST, NERST now we discuss on NERST equation. It is based on reduction principle. Jaise M plus N
इसमें एन इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेप्ट करा रहे हैं हम, गिव एम, ये सॉलिड दे देता है ये, तो इसमें एम प्लस एन, इसमें इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, ये रिडक्शन नहीं है, ये क्या शो कर रहा है आपको, रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, ये रिडक्शन को शो करता है। तो अकॉर्डिंग टू नट्स इक्वेशन इट प्रोड्यूस ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, ये क्या रिलेशन प्रोड्यूस करता है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन मतलब ये मेटल आयन, तो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन मेटल आयन इट प्रोड्यूस बाई नट्स इक्वेशन। नट्स ने क्या दिया था, रिलेशनशिप प्रोड्यूस किया था मेटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन मेटल आयन, मगर मेटल का कंसंट्रेशन जो है वन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इज ऑलवेज वन, कितना होता है वन, जैसे कॉपर है इसका कंसंट्रेशन वन, जैसे आपका सिल्वर है इसका कंसंट्रेशन क्या होगा वन, मगर आयन का कंसंट्रेशन होता है जैसे सी प्लस प्लस इसका कंसंट्रेशन होगा, जेडन प्लस प्लस इसका कंसंट्रेशन होगा बेटा, एजी प्लस इसका कंसंट्रेशन होगा, मगर मेटल का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा वन होगा, इज इट क्लियर। जैसे एग्जाम्पल लिया हुआ मैंने एम प्लस एन, एन इलेक्ट्रॉन गिव्स एम, अब अकॉर्डिंग टू नट्स इक्वेशन ई एम एफ इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैटोड एम कंसंट्रेशन अपॉन एम प्लस एन कंसंट्रेशन। हमने अभी बताया आपको मेटल कंसंट्रेशन इज ऑलवेज वन, सो ई एम एफ इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, इसकी वैल्यू वन हो गई है तो कितना हो जाएगा अपॉन एम प्लस एन के, दिस इज द नट्स इक्वेशन। जैसे कोई इक्वेशन और ले रहे हैं हम, ए ए बी बी सी सी डी डी, अब इसका नेक्स्ट इक्वेशन से निकाले रिलेशन तो क्या हो जाएगा बेटा, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखते समय मालिक्यूल गोज इन पावर, तो सी क्या होगा पावर में चला जाएगा, यहां पर डी क्या होगा मॉलिक्यूल पावर पावर में चला जाएगा, तो कंसंट्रेशन सी की पावर सी कंसंट्रेशन डी की पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ए की पावर ए और कंसंट्रेशन बी की पावर बी, कंसंट्रेशन बी की पावर बी, ये हो जाएगा राइट। आप लोग समझ में आए, ये भी नसीब को इससे निकाल सकते हैं हम लोग, इसी भी नट्स इक्वेशन आप निकाला जा सकता है, नट्स इक्वेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, देखिए आप लोग जैसे आपके सामने है जेड एन प्लस सी यू प्लस प्लस, जो डेनियल सेल में था, डेनियल सेल में जेड एन प्लस सी यू प्लस प्लस गिव्स सी यू प्लस जेड एन प्लस प्लस, अब इसका नेक्स्ट इक्वेशन देखना आपको है, तो ई एम एफ इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू
E naught माइनस 0.0591 अपन n क्या होगा बेटा यहाँ पर, यहाँ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, दो का हो रहा है, यहाँ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने को हो रहा है, दो का हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे n की जगह पर 2 लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे 2 log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी यू इंटू कंसंट्रेशन जेड एन प्लस प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन सी यू प्लस प्लस। अभी मैं बता चुका हूँ मेटल का कंसंट्रेशन 1 होता है, तो इसको 1 लिख दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा बेटा इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड एन प्लस एम, क्यों मेटल आयन का कंसंट्रेशन केवल होता है, अपान सी यू प्लस प्लस, ये आपका इक्वेशन आ गया। इसलिए निकाल सकते हैं आप सेकेंड, इसको भी निकाल सकते हैं आप, राइट, समझ गए नहीं बेटा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको, समझ गए आप लोग, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, नेक्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन मैं ले रहा हूं, जैसे ए प्लस बी जैसे लिख लीजिए आप लोग एन ए प्लस एम बी गिव्स एक्स सी प्लस वाई डी, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम में यू नो इक्विलिब्रियम में ईएमएफ क्या होता है बेटा, जीरो होता है, इक्विलिब्रियम में ईएमएफ क्या होता है, जीरो होता है, तब क्या हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपान n log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन c की पावर x d की पावर y अपान a की पावर n एंड b की पावर m, मगर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी कितने बड़ा हो जाएगा, के सी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन सी की पावर एक्स डी की पावर वाई अपॉन ए की पावर एन एंड बी की पावर एम। अब यहां से ये के सी मालूम हो गया बेटा, दिस इज द के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज प्लेस इन दिस प्लेस, और ये की वैल्यू क्या होगी जीरो, मैं बता चुका हूं ये, तो यहां जीरो लिख दीजिए आप, ई नॉट माइनस 0.0591 अपान एन लॉग के सी, देयर फोर ई नॉट इज इक्वल टू 0.0591 अपान एन लॉग के सी। इस तरीके से बेटा हम ई नॉट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन में निकाल सकते हैं, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, राइट। अनदर मेथड भी है निकालने के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के, देखिए आप लोग जैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, हैं जैसे इससे निकाला जाता आपको फ्री एनर्जी चेंज से डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट के, इससे भी हम ई नॉट निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब ई नॉट क्या है बेटा है, ई नॉट इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, माइनस ई एनोड, या एन क्या है बेटा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, और एफ क्या बेटा है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट क्या होता है 96,500 कूलम्ब, ये फैराडे कांस्टेंट होता है 96,500 कूलम्ब। डेल्टा जी क्या होता है बेटा,
फ्री एनर्जी चेंज है, ये क्या बेटा, फ्री एनर्जी चेंज है, इससे हम निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए एक तरीका और है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 आरटी लॉग केसी। यहां से भी मैं निकाल सकता हूं केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जहां पर आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल, और केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज है, इस तरीके से जो है हम यहां से निकाल सकते हैं। और देखिए आप लोग, एफिशिएंसी ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी ऑफ सेल, तो एफिशिएंसी ऑफ सेल इक्वल ईटा से शो करते, किससे शो करते बेटा, ईटा, ये दिस साइन से शो करते, ईटा साइन से शो करते एफिशिएंसी ऑफ सेल। तो ईटा इज इक्वल टू कैसे होगा बेटा, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। ये डेल्टा जी क्या है, फ्री एनर्जी चेंज है, क्या है, फ्री एनर्जी चेंज। और डेल्टा एच क्या है, हीट ऑफ कंबसन है, ये एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज इंटू 100। इससे हम एफिशिएंसी ऑफ द सेल हम निकाल सकते हैं, या ईटा इज इक्वल टू डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती बेटा, -NFE0 ऐसे लिख दीजिएगा आप, अपान डेल्टा एच करके निकाल लीजिएगा। अगर इन्होंने रिलेटिव पोटेंशियल दे रखा है, E0 की वैल्यू दे रखी है, फैराडे कांस्टेंट दे रखा है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है, और एंथैल्पी आप चेंज है, तो आप एफिशिएंसी आप सेल निकाल सकते हैं इस तरीके से, और मल्टीप्लाई विद 100 परसेंटेज में निकल आएगा आपका। इस तरीके से मैंने आज आपको फ्यूल सेल स्टैंडर्ड हार्डवेयर इलेक्ट्रोड के बारे में बताया, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में मैंने बताया, आपको नर्स इक्वेशन के बारे में मैंने बताया, उसके एप्लीकेशन के बारे में बताया। तो आई होप यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आई विल अगेन कम बैक टुमारो, तब तक के लिए आपको बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।